हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमंजन। आज हम बात करेंगे रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसने काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न्स एक साल में दिया। इसका अगर 52 वीक लो देखेंगे तो 87 का है और 358 का इसका हाई, और 346 के ऊपर ये स्टॉक क्लोज हुआ था लगभग 5% चढ़ के। तो इस कंपनी ने बोनस इशू यहाँ पे किया है, तो उसका हम बोनस रिकॉर्ड डेट भी देखेंगे, ताकि अगर आपके पास स्टॉक है या लेना चाहते हैं तो किस दिन तक आप शेयर्स डीमैट अकाउंट में रखेंगे तो आपको भी बोनस शेयर्स मिलेगा। तो क्या रेट पे बोनस इशू क्या है, तो उसी के बारे में जानेंगे। तो इसके लेटर के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, यह बीएससी की साइट से मैंने निकाला है और कंपनी ने 1:1 के रेशियो से बोनस इशू किया है। तो इसका ये मतलब है, अगर आपके पास 10 शेयर्स है तो आपके शेयर्स जो है डबल हो जाएंगे, 10 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इस रेशियो से किया है, और इसका फेस वैल्यू है 2 रुपये का। और अगर आपके पास शेयर्स अवेलेबल है तो 20 अगस्त 2021 इसका रिकॉर्ड डेट है, तो वहाँ तक 20 तारीख तक आपको होल्ड करना पड़ेगा ताकि आप एलिजिबल रह सकें। 20 के बाद भले आप बेच सकते हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आप लेना भी अगर चाहते हैं तो आप ले सकते हैं अभी भी, ताकि डीमैट अकाउंट के अंदर 2 दिन पहले, 2 दिन लगता है डीमैट में आने के लिए, और आपके डीमैट में आने के बाद आप भी एलिजिबल रह सकते हैं। तो इनका जो ऑथराइज कैपिटल है वो बढ़ता है यहाँ पे, तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। और इसका जो अगर आप देखेंगे तो जुलाई में इन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था 11.60 का, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न्स ये कंपनी दे रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास है तो होल्ड करिएगा, क्योंकि और ये स्टॉक थोड़ा बढ़ सकता है, और जैसे जैसे इनके प्रॉफिट्स और बढ़ते हैं तो ये और स्टॉक धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि बोनस इशू के बाद शेयर्स आधा होगा और आपके शेयर्स डबल हो जाएंगे। तो धीरे धीरे फिर ये जो है लॉन्गर टर्म के हिसाब से अगर आप रखते हैं तो अच्छा रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। तो आज इसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।